गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू सेकेंड। आप लोग जल्दी सभी लोग स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए। एक बार जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। यस, वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू मिनट। हम लोग बहुत 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू मिनट। 8:03 पे स्टार्ट कर देंगे। एक बार सभी लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ले लिया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें ऑर्गेनाइजिंग हो गया था, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग 3 रह गए थे। तो हम लोग पूरा आज भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल आएंगे नए टॉपिक के साथ, मैनेजमेंट की अप्रोचेस या मैनेजमेंट की थॉट के साथ कल हम लोग आएंगे। जहाँ पर भी बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हमने परसों क्या पढ़ाया था वो हम 5 मिनट में रिविजन करेंगे, उसके बाद आगे का नया पढ़ाएंगे।
ऑल दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, इनको बता दें माई नेम इज अनुभव सिंह, लास्ट 11 ईयर ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इज इंडिया टॉप टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक IIM लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU यूनिवर्सिटी शारदा, मेंटर्ड एंड गाइडेड मोर देन 1000 कैंडिडेट, 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट JRF क्वालिफाई करा चुके हैं। क्रैक द UGC नेट JRF 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर इन टॉप क्वालिटी जर्नल्स, MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM इंटरनेशनल बिजनेस, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बहुत लंबे समय से लगातार टीचिंग और रिसर्च से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने बात किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, डिटरमाइन एंड एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल्स एंड रिसोर्सेज। ये हमने पूरा समझा दिया था कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों से और संसाधनों का पूरा उपयोग करके हम लोग एक मैनेजमेंट का, एक संस्था का, एक संगठन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर हेनरी फ्योल ने डिफिनेशन अलग दिया है। हेनरी फ्योल की क्या डिफिनेशन है? प्रबंधन करना, पूर्वानुमान और योजना बनाना, व्यवस्थित करना, आदेश देना, आपस में समन्वय बढ़ाना और नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज गिवन बाय द हेनरी फ्योल्स। भाई हम लोग अगर बात करेंगे स्टेनली बिन्स ने क्या बोला था, इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड गोल। तो जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 प्लीज देख लीजिएगा, फिर आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के लिए मानव की कार्यवाही पर निर्णय लेने और निर्णय नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। फिर जो कून्स एंड ओडोनल ने 5 बेसिक फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तक ही पूरा कंप्लीट कर दिया था। देखिए ये 5 के 5 फंक्शंस जो आपस में सब इंटर रिलेट हैं, आपस में सभी फंक्शंस का, सभी कार्यों का, जो भी प्रबंध के कार्य हैं सबका आपस में एक संबंध है। देखिए इसीलिए देखिए एक दूसरे से सब टच है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग कर लिया बट ऑर्गेनाइजिंग ठीक से नहीं है तब भी आपका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग ठीक से कर लिया बट स्टाफिंग ठीक से नहीं है तब भी दिक्कत होगी। तो दैट इज द रीजन कि ये आपस में सब मिले हुए हैं, दे शुड हैव बेसिक कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आपका प्रबंधन, आपका मैनेजमेंट ठीक से काम करेगा। सबसे पहले प्लानिंग था, ये हमने पूरा बता दिया था, फिर भी बता रहे प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग हम लोग एक एडवांस में करते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू डू, कौन करेगा, व्हाई टू डू, क्यों करेंगे, वेयर टू डू, कहाँ होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। सपोज दैट हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि आप यूपी PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से प्लान है, पेपर अगस्त सितंबर में होगा, आपने प्लान करके रखा हुआ, फॉर्म डाला, कोचिंग किया, किताबें लिया, बुक्स लिया, तो एक प्री डिटरमाइंड पहले से एक आप ऑब्जेक्टिव तय कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका पहले से फिक्स होता है, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। फिर हमने बताया था इंपॉर्टेंसी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग इन वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग के कई सारे काम है, योजना निर्देशन प्रदान करती है, अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करती है। तो पहले से अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करके रखी है तो जो भी इन फ्यूचर में अनिश्चितताएं आएंगी, जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग एंड एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये सब कुछ हमने पहले आपको बता दिया था बच्चों, जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार वो पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। प्लानिंग का प्रोसेस बताया था, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम लोग आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर काम करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो बी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन सिलेक्टिंग, इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप एक्शन। वही हिंदी में दिया था, उद्देश्य निर्धारित करना, विकासशील परिसर, कार्यवाही के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पहचान करना, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन, एक विकल्प का चयन करना, योजना को लागू करना और अनुवर्ती कार्यवाही। ऑर्गेनाइजिंग में पूरा अच्छे से बता दिया था कि कार्यों और उपकार्यों में कार्य का विभाजन, गतिविधियों का समूह जो उन प्रकृति में निकटता से संबंधित है। तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ओवरऑल काम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन ग्रुप्स।
मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा, उत्पादन का काम प्रोडक्शन का काम एक डिपार्टमेंट में होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग, निर्देशन। किसी को कोई डाउट हो पुराने वाले लेक्चर पहले पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे। एनीबॉडी से हैविंग एनी डाउट बताइए। किसी को किसी पे कोई डाउट है तो बताइए। वेरी गुड इवनिंग, क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम की? आई थिंक क्लियर आवाज आ रही है, अपना मोबाइल चेक करिए एक बार, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए। जो बच्चे हिंदी मीडियम वो हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले समझ में आ ही आएगा। थर्ड हमारा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, निर्देशन करना, अधीनस्थों से काम लेने के लिए उनका मार्गदर्शन तथा प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण करना, ये निर्देशन कहलाता है। अब किसी भी संस्था में किसी भी संगठन में व्हेनेवर वी आर वर्किंग, सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, हमको क्या करना पड़ता है कि एक सर्टेन निर्देशन, सर्टेन डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग क्या, कोचिंग में आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो आपको आई विल बीइंग अ टीचर आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन डायरेक्शन। तो अधीनस्थों से काम लेने के लिए अगर वो एक संगठन के अंदर हम लोग बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, वहां पर डायरेक्शन का क्या रोल है, निर्देशन का क्या रोल है, तो अधीनस्थों से काम लेने के लिए उनका मार्गदर्शन तथा प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण करना ही निर्देशन कहलाता है। ये प्रबंध का एक आवश्यक तत्व है जिसकी सहायता से संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, नियत सिद्धांतों व नीतियों के अनुसार किसी कार्य के क्रियान्वयन इस समुचित देखभाल करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन संचालन का पर्याय या जिसका डायरेक्शन और निर्देशन ऑलमोस्ट सेम चिंग है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कून्स एंड ओडोनल ने क्या डिफिनेशन दिया, आगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखाएंगे। अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य संचालन कहलाता है। ये नोट कर लीजिएगा, डिमॉक ने क्या बोला है, संचालन वास्तव में प्रशासन का हृदय है जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेशों को देना एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करना होता है। भाई थियो हैमन ने क्या डिफिनेशन दिया है, संचालन के अंतर्गत उस प्रक्रिया एवं तकनीकी का समावेश किया जाता है जिनका उपयोग आदेशों एवं निर्देशों को निर्गमित करने एवं देखने का समावेश किया जाता है, जिनका उपयोग आदेशों व निर्देशों को नियमित करने या एवं ये देखने के लिए किया जाता है कि उपक्रम की समस्त क्रियाएं योजना अनुसार हो रही हैं अथवा नहीं है। तो अलग अलग लोगों ने डायरेक्शन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझिए, डायरेक्शन इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सम सर्टेन डायरेक्शंस टू योर सबऑर्डिनेट। आप किसी संस्था में किसी संगठन में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो दिस इज अवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने लोअर ऑर्डर एम्प्लॉयज को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक दिशा दिखानी पड़ेगी कि किस दिशा में आपको काम करना है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, संगठन के उद्देश्य को आप अचीव कर सके। अब आया फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन, क्या है फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन। तो संचालन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, पहला हो गया टू ऑर्डर, आदेश व निर्देश प्राप्त करने से ही संचालन का श्री गणेश होता है। आदेशों का प्रवाह प्रायः ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से, अब नीचे वाला जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज तो मैनेजर को ऑर्डर नहीं देगा, ऑर्डर कौन देगा, टॉप लेवल से ऊपर से नीचे की तरह ऑर्डर आता है। तो आदेश व निर्देश प्रदान करने से ही संचालन का श्री गणेश होता है। आदेशों का प्रवाह प्रायः ऊपर से नीचे की ओर होता है, याद रखिएगा,
शीर्ष प्रबंध मध्य प्रबंध की ओर, मध्य प्रबंध अपने से नीचे वाले स्तर के आदेश देता है, मतलब टॉप लेवल क्या करता है वो मिडिल लेवल को आदेश देता है, मिडिल लेवल किसको आदेश देता है, लोअर लेवल को आदेश देता है। दूसरा फंक्शन क्या है डायरेक्शन का, सुपरवाइज करना, क्या करना, सुपरवाइज करना, निरीक्षण का पर्यवेक्षण करना। आदेश देना मात्र से निर्देशन का काम समाप्त नहीं होता, हमने आपको ऑर्डर दे दिया कि ये पढ़ लीजिए ये पढ़ लीजिए ये पढ़ लीजिए, बट उसको हम सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सुपरवाइजर, बीइंग अ मैनेजर, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी टीम को ऑर्डर तो दे दिए बट लगातार आपको सुपरवाइज भी करना होगा। केवल आदेश देने से ही निर्देशन का कार्य समाप्त नहीं होता। तो योर वर्क विल नॉट बी कंप्लीट वाइल गिविंग सर्टेन ऑर्डर, यू हैव टू बी कंट्रोल, यू हैव टू बी डायरेक्ट, यू हैव टू बी सुपरवाइज, आपको समय समय पर सुपरवाइज भी करना पड़ेगा कि उनके द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहा है या अथवा नहीं। इसी प्रकार निरीक्षण करना ही संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमने ये देखना है कि आप जिस जिस दिशा में हमने आपको काम करने को बोला उस दिशा में आप बच्चा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मार्गदर्शन, निर्वचन तथा प्रशिक्षण, मतलब गाइडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रेनिंग। संचालन का तीसरा कार्य है कर्मचारियों को पथ प्रदर्शन करना, उनको सभी आवश्यक बातें यथा विधि समझाना एवं आवश्यक पड़ने पर प्रशिक्षण भी देना। उनको क्या करना है, आप अपनी टीम को एक पथ प्रदर्शित करेंगे और उनको जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं किसी काम करने के लिए वो हमको उनको बताना पड़ेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर इफ यू आर रिक्वायरिंग एनी नीड, रिक्वायरिंग एनी ट्रेनिंग, अगर आपके सबॉर्डिनेट्स हैं अगर दे आर रिक्वायरिंग एनी ट्रेनिंग, तो वी हैव टू बी बींग मैनेजर, वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग्स ऑल्सो। तो अगर आप बींग मैनेजर, हम लोगों को एक ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके जो इम्प्लॉयज हैं वो ट्रेन नहीं है, उतने शिक्षित नहीं है, उतने ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो उनको ट्रेनिंग भी समय समय पर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे आप आराम से और एक संगठन के उद्देश्य को क्लियर कर सकें। अभी प्रेरित करना, टू मोटिवेट, आपको लगातार मोटिवेट भी करना है कर्मचारियों, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, सुपरवाइज भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, आदेश भी देंगे और लगातार आपको मोटिवेट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। बहुत बार बच्चे पहली बार में बच्चे नेट जा रहे क्वालिफाई कर लेते, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो पीजीटी क्वालिफाई करना इट्स नॉट ए वेरी बिग टास्क। आप केवल 90 दिन मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए ईमानदारी से, पहली बार में पीजीटी क्वालिफाई करेंगे वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो दिस इज अवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को, अपने स्टूडेंट को लगातार मोटिवेट करते रहें। तो कर्मचारियों से रुचि, निष्ठा व लगन के साथ काम करवाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित भी करना पड़ता है। फिर हुआ कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाना, सभी कर्मचारियों तथा उनके समूह में समन्वय स्थापित करना निर्देशन का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो क्या है, हमें लगातार आपको मोटिवेट भी करना है, आपस में जितने भी संगठन है, संगठन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में सबको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाना है। निर्देशन के अन्य कार्यों में उल्लेखनीय, नीति निर्माण करना, पॉलिसी बनाना, नीतियों को कार्यान्वित करना, नेतृत्व प्रदान करना, प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था बनाए रखना, प्रभावपूर्ण नियंत्रण बनाना, सभी अधीनस्थों को मनोबल को ऊंचा करना। भाई अंग्रेजी में देखें डेफिनेशन, एक्टिवेटिंग डील विद द स्टेप्स मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान। भाई यह कुल मिलाकर परिभाषा, योजनाओं को पूरा करने के लिए अधीनस्थों और अन्य लोगों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ सौदों को सक्रिय करना। ये न्यूमैन एंड वॉरेन ने डेफिनेशन दिया, किन्ने, न्यूमैन एंड वॉरेन ने डेफिनेशन दिया है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करेंगे संगठन के, आप कदम उठाइए और अपने जो सबऑर्डिनेट है उनसे भी काम कराइए। आगे बात करें, डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल्स इन ए डायरेक्शन, कुछ नहीं है बट एक संगठन में लोगों को मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना एक डायरेक्टिंग है। यह ना केवल अधीनस्थों को एक वरिष्ठ द्वारा निर्देश देना है बल्कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवेक्षण, मार्गदर्शन और बात वाले को प्रेरित करना की प्रक्रिया है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हिंदी में भी बताएंगे आगे हम। तो डायरेक्टिंग समझ गए होंगे ना बच्चों, कोई डाउट,
डाउट तो बताइए। हाँ ठीक है, आगे बताएं हम लोग। तो डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंसी ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्शन इनिशिएट एक्शंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन क्या करता है, जो संगठन के अंदर, संस्था के अंदर आप एक डिजायर्ड रिजल्ट, एक जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्शन अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंप्लॉयज बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज। आप अपने इंप्लॉयज से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं अगर उनको सही से निर्देशित करेंगे, सही से डायरेक्शन दिखाएंगे। डायरेक्शन इज असेंशियल टू कीप द एलिमेंट लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, इट इंश्योर दैट एवरी इंप्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एक डायरेक्शन ये भी इंश्योर करता है कि जितने संगठन में एक आदमी काम कर रहे हैं, जितने भी संस्था में आदमी काम कर रहे हैं, वो इसीलिए काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव कर सकें। इट कॉपिंग अप विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन। इसके अलावा डायरेक्शन, अगर सही से डायरेक्शन दोगे, पीडीएफ सत्यजीत प्रोवाइड कराएंगे। आज के बाद डेमो क्लास खत्म हो जाएगी, जो बच्चे पेड होंगे उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा, उन्हीं को क्लासेस मिल पाएंगी। बहुत सारे बच्चे, 15-20 बच्चे पेड भी हैं। तो दिस इज द लास्ट डेमो क्लास, आई एम जस्ट टेलिंग यू। हमने इस बार बहुत कम फीस रखी है इसीलिए कि ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सब बच्चों को आराम से बच्चे ज्वाइन कर सके। तो आज ये लास्ट डेमो क्लास है, इसके बाद आपको जो वही बच्चे पेड कर पाएंगे, क्लास कर पाएंगे कल से, जिन बच्चों ने फीस पे किया है। मैक्सिमम बच्चों ने फीस पे कर दिया, जिन्होंने फीस पे नहीं किया तो आप मेरा नंबर लिखा ही है ऊपर, आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से फोन पे फीस पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम नोट करा दीजिए हमको अपने मेरे पास, उसके बाद ही बच्चे आप लोग क्लास कर पाएंगे और नोट्स भी मिलेंगे। मतलब आपको एक संगठन के अंदर कोई भी बदलाव करना है तो उस, अगर डायरेक्शन ठीक से करोगे तो आप उन बदलाव के साथ चल सकते हो। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्टिंग। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू द डायरेक्टिंग। स्थिरता आएगी, एक बैलेंस, संतुलता बनी रहेगी अगर आप ठीक से डायरेक्शन करेंगे। देखिए, दिशा एक संगठन में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू करती है। निर्देशन कर्मचारियों की क्षमताओं को पहचान करके अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करती है। पर्यवेक्षण, प्रेरणा, नेतृत्व और संचार जैसी तत्वों को प्रभावी रखने के लिए निर्देशन आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को काम लक्ष्यों के लिए काम करे। निर्देशन के माध्यम से स्थिरता और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो जिन जिन बच्चों को, किन किन बच्चों को क्लासेस लेनी है, प्लीज मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में करिए, जिनको जिनको क्लास लेनी है। कुछ बच्चे जो पेड हैं, जो पेड हैं वो छोड़ दीजिए। पारुल, सत्यजीत, पूजा, मोहित गुप्ता, सुनीता, अंकिता नेक, पीयूष पटेल, एक बार पहले क्लास आगे बढ़ेगी, पहले बताइए किसको किसको पेड लेना है, एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम नाम नोट कर लें। उसके बाद आज आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिए, किस्तों में कर दीजिए लेकिन फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी क्लासेस मिलेगी। तो एक बार बता दीजिए किसको किसको क्लास लेना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग। तो डायरेक्टिंग पूरा हो गया, डायरेक्टिंग में हमने क्या क्या चीजें बताई, देखा होगा डायरेक्टिंग क्या होता है, निर्देशन क्या है, परिभाषाएं बताई, उसकी फंक्शंस बताए हमने, इंपॉर्टेंसी बताई। अब स्टाफिंग की बात, जल्दी से मैसेज कर दीजिए प्लीज। इसके अलावा कौन कौन है, मोहित गुप्ता के अलावा, अंकिता आपका क्या है, अच्छा देखिए हमने बहुत कम फीस रखी है, इतने ज्यादा रिसोर्सेस खत्म हो रहा है, तो दैट इज द ओनली रीजन आई एम जस्ट आई कीपिंग द आई आई कीप द वेरी लो प्राइसेस।
ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना स्टाफ के संगठन संरचना ही नहीं की जा सकती है। संस्था की सफलता योग प्रबंधकों की पूर्ति पर निर्भर करती है। स्टाफिंग का मतलब है बेटा, इंग्लिश साहिल, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है, अभी आगे इंग्लिश मीडियम में भी होगा, तो यू डोंट नीड, ठीक है। तो वी हैव अ नोट्स फॉर द इंग्लिश मीडियम ऑल्सो एंड हिंदी मीडियम ऑल्सो, डोंट ट्राई टू, तो ऐसा मत सोचो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है। एवरीवन विल एबल टू अंडरस्टैंड, इवन आई कैन टीच इन अ फुल इंग्लिश ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टीचिंग इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग्स टू द हिंदी मीडियम, दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेकिंग द क्लास इन हिंदी, बट आई ट्राई टू प्रोवाइड द क्लास इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश में भी पूरी क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश में भी पूरे नोट्स मिलेंगे। आज डेमो क्लास है, डेमो के बाद इंग्लिश मीडियम का बैच अलग होगा, हिंदी मीडियम का बैचेस अलग होंगे। रात में चलेगा इंग्लिश मीडियम का बैच, मॉर्निंग में चलेगा हिंदी मीडियम का बैचेस। ऑल दोस कैंडिडेट हु जस्ट वॉन्ट टू बी ज्वाइन, वेदर इट्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, देर विल बी ए सेपरेट बैचेस फॉर दैट। स्टाफिंग स्टाफिंग इज ऑल अबाउट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। कुल मिलाकर क्या, राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस एट अ राइट जॉब। सही आदमी सही जगह पर, फीस है 4500 रुपये इंस्टॉलमेंट में, 4000 रुपये फीस है किसमें, एक बार में पे करेंगे, 4000 पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे 4500 फीस है। तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट जॉब। तो स्टाफिंग प्रबंध का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, विदाउट स्टाफिंग आप यू कैन नॉट मेक इट आउट एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो संस्था की सफलता योग प्रबंधकों की पूर्ति पर निर्भर करती है। समस्त प्रबंधकों पदाधिकारियों को स्तर के अनुसार 3 वर्गों में विभक्त किया। वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी मतलब सीनियर जो होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट, कनिष्ठ, परिवक्षी और फोरमैन मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल, लोअर लेवल और मैनेजमेंट हमारा 3 भागों में पूरा इंप्लाइज होते हैं। टॉप लेवल में होते हैं, मिडिल लेवल में होते हैं और लोअर लेवल में होते हैं। इन विभिन्न प्रबंध स्तरों पर काम करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन व भर्ती, उनके प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, तो कई सारे मेन काम, बहुत सारे काम होते हैं। किसी को नए लोगों को रिक्रूट करने की अगर बात करते हैं, उनके प्रमोशंस की बात करते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा काम हमारा स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। स्टाफिंग का अर्थ एवं परिभाषाएं। स्टाफिंग से हमारा आशय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन एवं योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से है। मतलब कुल मिलाकर स्टाफिंग इज ऑल अबाउट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। उनका सिलेक्शन की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, उनको उनका उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ये सब काम हमारा स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, ये आपको भी इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में एक एक टॉपिक है। प्लानिंग अपने आप में टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग अलग में है, स्टाफिंग अलग है, कंट्रोलिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है। ये हम कल प्लानिंग पढ़ाएंगे, परसों ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर डायरेक्टिंग, ये अपने आप में सब एक टॉपिक है। तो कून्स एंड ओडोनल ने क्या बोला है, स्टाफिंग से आशय उस प्रबंधकीय प्रक्रिया से है जो कर्मचारी के उपयुक्त एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा विकास के संगठन संरचना को कर्मचारी उपलब्ध करने से संबंधित रखता है, ताकि संरचना में अविकल्पित भूमिकाएं निभाई जा सके, ठीक है। भाई थियो हैमन ने क्या बोला, स्टाफिंग प्रबंधकों की भर्ती उनके चयन, विकास और क्षतिपूर्ति से संबंध रखने वाला कार्य है। जॉर्ज टेरी ने अलग डेफिनेशन दिया है कि स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट मानव शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए संबंध रखता है। भाई पीटर पैट्रिक ई कॉनर ने क्या बोला है, स्टाफिंग प्रबंधकों का वह कार्य एवं उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य संचालन के लिए प्रबंधकीय और अन्य कर्मचारी को उपलब्ध करना, उनके विकास करना, उनसे संस्था में बनाए रखने के लिए संबंध रखता है। तो सबने अलग अलग परिभाषा दिया है। स्कोप क्या है, क्षेत्र, स्टॉपिंग के अंतर्गत कई सारे, पहला हो गया प्रबंधकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, टू इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, पहला क्या है इसका, टू फॉरकास्टिंग द इम्प्लाइज, कि एक संगठन में कितने इम्प्लाइज आपको चाहिए, कितने इम्प्लाइज नहीं चाहिए। प्रबंधकों का चयन करना, टू सिलेक्ट द मैनेजर्स, टू सिलेक्ट द मैनेजर्स, ठीक है। प्रबंधकों को योग्यता अनुसार काम पर लाना, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब लाना, टू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग, प्रशिक्षित करना मतलब टू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग टू दोज कैंडिडेट, मूल्यांकन करना, उनका इवेल्युएशन करना, प्रबंधकों को वर्गीकरण करना एवं उनके लिए वेतन योजना बनाना, उनको मैनेजर को क्लासीफाई करना और उनके लिए एक आपको सैलरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कितनी सैलरी देनी है, कितनी सैलरी नहीं देनी है।
प्रबंधकों के विकास की उपयुक्त व्यवस्था करना, प्रबंधकों की पदोन्नति मतलब भाई प्रमोशंस कैसे करेंगे, ट्रांसफर कैसे करेंगे उसके लिए काम करना, रिटायरमेंट पॉलिसीज क्या होगी, आपस में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, एक हेल्दी रिलेशन बना रहे, इसके लिए भी आपको काम करना है स्टाफिंग के अंतर्गत। अब भाई नेचर क्या है, स्टाफिंग इज सब सिस्टम ऑफ मैनेजिंग सिस्टम। स्टाफिंग एक क्या है, स्टाफिंग संपूर्ण प्रबंध प्रणाली की एक उप प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग डीलिंग विद द पीपल्स, हम लोगों के साथ डील करते हैं। स्टाफिंग इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार हमने संगठन में कुछ लोगों का चयन कर लिया, बट ये लगातार योजना चलती रहेगी, लगातार प्रक्रिया चल, कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ लोग रिटायरमेंट हो गए, किसी की डेथ होगी, कुछ लोग नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग ट्रांसफर होगा, प्रमोशंस होगा। तो दैट इज द थिंग, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऑल मैनेजर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफिंग, सभी मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है स्टाफिंग करने की। स्टाफिंग फुलफिल द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड्स। स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। स्टाफिंग इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग के निष्पादन में प्रबंधक एक सामाजिक दायित्व वाला भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो केवल आपको एक आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी पूरा स्टाफिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। फिर आगे आ गया कि मेजर एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग पहला हो गया डिटरमिनेशन ऑफ द मैनेजर मैन पावर। मैन पावर को पूरा आपको ओवरऑल मैनेज करना है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं उसके, जॉब एनालिसिस करना स्टाफिंग का काम होता है। कार्य विश्लेषण संबंधी अध्ययन ये बतलाता है कि प्रबंधक को क्या काम करना चाहिए। कार्य विश्लेषण द्वारा प्रबंधकीय कार्यों की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाना है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, आगे हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में समझिए, लोगों को नौकरी पर रखना ये स्टाफिंग का मेन उद्देश्य है। इंपॉर्टेंसी क्या है, फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजिशंस, एक संगठन की जितनी पोजिशन है उनको फिल करना। डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसी टू द चैलेंजेस, रिटेनिंग द पर्सोनल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सब हमारी इंपॉर्टेंसी है उसकी स्टाफिंग की। स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, पहला होता है एनालाइजिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ये स्टेप याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपको जो मैन पावर है, जितनी मैन पावर आपको चाहिए उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करिए। रिक्रूटमेंट, एक बार हमने मैन पावर कर लिया एनालाइज की, 800 आदमी चाहिए आपको, 1000 आदमी चाहिए अपने संगठन के लिए, फिर रिक्रूटमेंट करिए। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट इज अ पूल ऑफ एप्लीकेंट, जो भर्ती के लिए जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो पीजीटी का नोटिफिकेशन आया उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस, उसमें से करेंगे सिलेक्शन, चयन करेंगे। चयन करने की सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। फिर प्लेसमेंट, राइट पर्सन द राइट जॉब, फिर उनको ट्रेनिंग देना काम के अनुसार, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये पूरा एक स्टॉपिंग का। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, हर साल उनका इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, उनको प्रमोशन भी करना पड़ेगा, ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो ये 6 स्टेप हैं, एनालाइजिंग द मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, फिर उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। ये भाई इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, जनशक्ति आवश्यकता का विश्लेषण, भर्ती करना, चयन करना, प्लेसमेंट करना, प्रशिक्षण और विकास करना, प्रदर्शन मूल्यांकन करना। ये हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग में किसी को डाउट है बताइए। कोई डाउट है बताइए। हाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल मोहित जी, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मोहित जी, होता है कि आपको हर साल देखिए इंक्रीमेंट लगता है ना, तो आप एनुअल बेसिस पे परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं कि 4% इंक्रीमेंट देना है, 5% प्रमोशन इंक्रीमेंट देना है, 6% देना है।
स्टाफिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। किसी को प्रमोशन करना पड़ेगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल अबाउट सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ पर्सनल्स बाय सुपीरियर्स और अदर्स। तो सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। अप्रेज मतलब इवेल्युएट करते हैं। ये बहुत सरल है, आगे पूरा अपने आप में बताया जाएगा। आगे ये अपने आप में टॉपिक है, इसको बताएंगे हम आपको आगे डिटेल में, ठीक है। लास्ट आगे हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। नियंत्रण भी एक बहुत, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी काम करेगा ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो आपका पूरा बिजनेस, पूरा करियर भी फेल हो सकता है। तो प्रबंध की प्रक्रिया में नियंत्रण अंतिम चरण है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अन्य प्रबंधकीय कदमों जैसे नियोजन, संगठन तो निर्देशन इत्यादि के बाद ही पड़ती है। हाँ मोहित जी, प्रमोशन और डिमोशन दोनों हो सकता है। प्राचीन काल से नियंत्रण को प्रशासन का एक आवश्यक साधन माना जा रहा है। इसमें प्रबंधक ये जांच करता है कि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल है या नहीं है, उसके आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं है। यदि वे उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहा तो उसका क्या कारण है, किस प्रकार कार्रवाई में सुधार करके उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अंततः नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रबंध के सभी कार्यों की सफलतापूर्वक प्रभाव नियंत्रण पर ही निर्भर करती है। तो कंट्रोलिंग क्या, कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बाद में परफॉर्मेंस जो आई उसको इवेल्युएट करना ही क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर वेदर द रिसोर्सेज आर ऑब्टेंड एंड यूज एफिशिएंटली इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और नॉट। मतलब आपको कंट्रोलिंग के तहत ये देखना है कि जो संगठन के संसाधन है, संगठन के जो रिसोर्सेज है, उसको इफेक्टिवली एक प्रभावशाली तरीके से उसको यूज किया या नहीं किया है। टैरी और फ्रैंकलिन ने क्या डेफिनेशन दिया, देखिए, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग एकम्प्लिस। कंट्रोलिंग हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं क्या हो चुका है, दैट इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, इफ नेसेसरी अप्लाइंग द करेक्टिव मेजर्स सो दैट परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर आपको, आप पहले देखना आपको क्या अचीव कर चुके हो, जो अचीव नहीं हुआ है उसके लिए नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करो ताकि आप अपने प्लान के अनुसार काम किया जा सके। ये वह प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में संसाधनों को प्राप्त किया जाता है और कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। अब आया कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, नियंत्रण प्रक्रिया में प्रमापों की स्थापना की जाती है। इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि एक साल में हम 100 मार्कर बनाएंगे, सपोज दैट, या एक दिन में 100 मार्कर को प्रोड्यूस करेंगे। फिर हम लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं, पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर देखेंगे कंपेरिजन द एक्चुअल प्रोग्रेस विद द स्टैंडर्ड। फिर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस आपने 100 स्टैंडर्ड सेट किया था, अचीव किया 80, फिर हम लोग फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि डिवीजन एंड कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्रेस विद द स्टैंडर्ड एंड कैलकुलेटिंग द डिवीजन। डिवीजन का मतलब है कितना उतार चढ़ाव है। 100 में से अगर 100 आपने बोला था 100 मार्कर एक दिन में बनाएंगे, आपने बनाए 80, इसका मतलब डिवीजन कितने का हो गया, 20 का। तो किन कारणों की वजह से आप 100 मार्कर नहीं बना पाए, केवल 80 मार्कर बनाए, उसको हम कारण पता करने की कोशिश करेंगे। तो और करेक्टिव एक्शन लेंगे हम। अगर 100 की जगह आपने 120 बनाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपने जैसा हमने आपने प्लान सोचा था उससे अच्छा काम किया, तो हम लोग कोई भी डिसीजन बदलने की, कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने जैसा सोचा, टारगेट सोचा यहाँ पे था, अचीव ये करा, तो कहीं ना कहीं आपको एक करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सेटिंग द स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्रेस विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। ये चारों स्टेप हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस। ये आज हमारा बेसिक्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे उसकी, ये पांचों फंक्शन हम अलग अलग पढ़ाएंगे, प्लानिंग अलग पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग अलग, स्टाफिंग अलग, कंट्रोलिंग अलग, डायरेक्टिंग अलग। ये 5 चैप्टर अपने आप में एक फुल फ्लेज चैप्टर है, उनको आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां तक कोई डाउट हो या और किसी प्रकार कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ, उसमें आप पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट हो बताइए।
चलो क्लास खत्म करते हैं, नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे। आज लास्ट डेमो क्लास है, उसके अलावा जिसको क्लास लेना है मेरा नंबर लिखा हुआ है ऊपर, दोबारा लिख दे रहे हैं। 4500 रुपये फीस इंस्टॉलमेंट्स में है, 4000 रुपये फीस एक बार में है। जिसको लेना है वो 7275 पे व्हाट्सएप करके क्लास अरेंज कर लीजिए, बुक करा लीजिए सीट। उसके बाद सीट भी बुक नहीं होगी और क्लासेस भी बच्चों आप लोग नहीं देख पाओगे, केवल पेड बच्चे क्लासेस देख पाएंगे। दिस इज द लास्ट डेमो क्लास। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, टेक केयर, बाय।